वालेकुम मैं हूँ नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर नाजरीन फिल्म ट्रेड से दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही गमनाक और अफसोस की खबर है कि मतदी फिल्मों में अपने रक्स के जरिए फिल्म बीनों को महजूज करने वाली माजी की मरूफ डांसर परवीन बॉबी भी खामोशी से इस दार फानी को खैरबाद कह गयी जिस तरह हर इंसान अपनी आंखों में बेशुमार खाब सजाए अपने बेहतर मुस्तबिल के लिए किसी फील्ड का इंतखाब करता है इसी तरह शोबिस की दुनिया में आने वाले किरदार भी शहरत मकबूलियत और दौलत हासिल करने की ख्वाहिश लिए यहाँ आते हैं मगर यहाँ सब के खाबों को ताबीर नहीं मिलती अक्सर लोग बासलाहियत होने और भरपूर जद्दोजहद करने के बावजूद भी कामयाबी के संघासन को छू नहीं पाते और अपने सुनहरे ख्वाबों समेत इस दार फानी से रुखसत हो जाते हैं आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर क्लिक कर दें ताकि आपका और हमारा साथ मुस्तकिल बना रहे परवीन बॉबी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कोयटा से ताल्लुक रखने वाली फैमिली की एक लड़की परवीन ने लाहौर आकर अपने फिल्मी सफर का आगाज उन्नीस में परवीन बॉबी के नाम से किया खुश शक्ल होने और रक्स में महारत रखने के बावजूद परवीन बॉबी सिर्फ फिल्मों में डांसर बनने से आगे ना बढ़ सकी बेशुमार उर्दू और पंजाबी फिल्मों में रकासा के तौर पर काम करते हुए उसने अपनी पहचान तो बनाई मगर एक अदाकारा के तौर पर अपनी शनाख्त हासिल नहीं कर पाई जिसका इसने खाब देखा था हालात की गर्दिश ने फिल्म इंडस्ट्री को भी जवाल के अंधेरों में धकेल दिया मगर प्रवीण बॉबी इससे पहले ही अपने मुस्तबिल से मायूस होकर रोशनियों की दुनिया से नाता तोड़कर घर वापिस जा बैठी और गुमना की जिंदगी से लड़ते हुए वो खामोशी से ये दुनिया छोड़ गई परवीन बॉबी को पहली मरतबा हदायतकार हैदर चौधरी ने अपनी फिल्म हथकड़ी में एक डांस के लिए कैमरे के सामने पेश किया ये फिल्म उन्नीस सौ पिछहत्तर में रिलीज हुई परवीन बॉबी के रक्स को पसंद भी किया गया मगर अफसोस के पहली ही पेशकश में इस पर एक डांसर की छाप लगी और वो अच्छी अदाकारा होने के बावजूद इस हैसियत से फिल्म मेकरस की पसंद कभी न बन सकी प्रवीन बॉबी के दो भाई और तीन बहनें थीं हैरत अंगेज तौर पर प्रवीन पर बॉबी की शक्ल सूरत अदाकारा मुमताज से काफी मुशाबेहत रखती थी और यही इसकी शख्सियत का नेगेटिव पॉइंट साबित हुआ अपने फिल्मी कैरियर के दौरान प्रवीन बॉबी ने एक सौ से जायद फिल्मों में डांस किए बावसूक जराये के मुताबिक उस वक्त के फिल्म राइटर जो बाद में बहुत बड़े डायरेक्टर भी बने और उन्होंने बहुत शानदार फिल्में पेश की मगर जब वो सिर्फ राइट थे तो इनका भरपूर अफेयर प्रवीण बॉबी के साथ चला कहा जाता है कि इन दोनों की शादी भी हुई थी मगर इसकी तस्दीक नहीं हो सकी करीबी लोगों का कहना है कि इस फिल्म राइटर डायरेक्टर से प्रवीण बॉबी की एक बेटी भी पैदा हुई अपनी जिंदगी में ही परवीन बॉबी ने उस फिल्मी शख्सियत से ब्रेकअप के बाद एक कारोबारी शख्स से शादी कर ली दूसरी बेटी की मां भी परवीन बॉबी अपनी दूसरी शादी के बाद ही बनी परवीन बॉबी अपनी बेटियों की शादी के फर्श से भी अपनी जिंदगी में ही सुबक दोष हो चुकी थी तबीयत की खराबी और फिल्मी दुनिया के तलख तजर्बात की वजह से प्रवीन बॉबी ने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया और हर किस्म के रबते खत्म कर दिए वो ज्यादा तन्हाई में ही रहना पसंद करने लगी इसका मेल जोल सिर्फ अपनी फैमिली तक ही महदूद हो गया इसी अकेलेपन में वो रवा बरस छब्बीस अप्रैल को इंतकाल कर गई इस तरह अपनी जवानी का कीमती वक्त फिल्मों में गुजारने वाली परवीन बॉबी खामोशी से कब्र की तारीकी में उतर गई न जाने वो कौन सा दुख था जो इसे अंदर ही अंदर खाता रहा वो खुलकर अपने इस रोग और जुम्मेदारों के रवैयों की शिकायत भी नहीं कर पाई मालूम हुआ है कि वो अपने साथ होने वाले सलूक और फिल्म ट्रेड की ज्यादियों की दास्तान को अवाम के सामने लाने के लिए एक किताब लिखने की ख्वाहिश रखती थी मगर इसका ये खाब भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो पाया आ दुआ करें कि अल्लाह परवीन बॉबी की गलतियों को कोताहीयों को माफ फरमा कर इसकी बख्शिश और मक़फ़रत करे और इसके दर्जात बुलंद फरमाए आमीन सुम आमीन मेरे देखने वालों को मेरा आज का ये प्रोग्राम अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आईकान के निशान को जरूर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और बर वक्त पहुँच सके अपनी बहुत ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा जल्द ही आपके साथ किसी नए प्रोग्राम समेत मुलाकात करूंगा अब इजाजत चाहता हूँ अल्लाह हाफिज